बीरबल की खिचड़ी। दोस्तों, आप सबने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, बीरबल की खिचड़ी पकाना। क्या आप जानते हैं कि इस कहावत के पीछे एक दिलचस्प कहानी है? यह कहानी अकबर और उनके नवरत्न बीरबल से जुड़ी हुई है। इस कहानी के आधार पर प्रसिद्ध कहावत बीरबल की खिचड़ी पकाना का उपयोग शुरू होता आया है। कहानी इस प्रकार है। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे शाही खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े खड़े बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर इनाम मांगने लगा। बादशाह ने उस धोबी से सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो किस शक्ति के सहारे तुम रात नदी में खड़े रहे? धोबी ने अदब से के साथ जवाब दिया, आलमपना, मैं कल सारी रात महल की छत पर जलते हुए चिराग को देखते रहा, उसी की शक्ति से मैं सारी रात नदी में खड़ा रह सका। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि महल की रोशनी की आंच की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर निराश भरे स्वर में बोला, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया। बीरबल ने गरीब धोबी का सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक खादिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने उन्हें आकर सूचना दी। बीरबल ने कहा कि जब उनकी खिचड़ी पूरी पक जाएगी तभी वे दरबार में आ सकेंगे। बादशाह को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वह अपने दरबारियों के साथ बीरबल के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि दो लंबे बाँसों के ऊपर एक हंडिया में चावल रखकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर रखी हंडिया में खिचड़ी पक जाएगी? हुजूर, जरूर पक जाएगी, बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने कौतूहलवश में पूछा। जहाँ पना, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रहा, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर बीरबल का यह तर्कसंगत उत्तर सुनकर लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। जब लोगों को यह बात पता चली तभी से बीरबल की खिचड़ी एक कहावत के रूप में प्रचलित हो गई, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि किसी आसान काम को बहुत मुश्किल बताना या फिर किसी छोटे से काम को करने में अधिक समय लगा देना। तो ये थी हमारी आज की कहानी, बीरबल की खिचड़ी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि ऐसी ढेर सारी मनोरंजक कहानियाँ हम आप तक लाते रहें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।